नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, और पीडीएफ इसका आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आउटलाइन का भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन हमने बनाए हैं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार से चिंतित सरकार कई उपाय आजमा रही है। कारोबार के क्षेत्र में तेजी लाना उसके लिए पहली चुनौती है, क्योंकि इस क्षेत्र की रफ्तार धीमी होने से न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद में कमी दर्ज हो रही है, बल्कि रोजगार सृजन के मोर्चे पर भी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए भी कई प्रयास किए गए, पर लक्ष्य तक पहुंचना अब भी मुश्किल बना हुआ है। बैंकों का कारोबार धीमा होने के पीछे एक बड़ा कारण रोजगार के अवसर पैदा ना हो पाना और फिर लोगों की क्रय शक्ति घटना है। इसी के मद्देनज़र केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबार में सुगमता लाने के मकसद से कंपनी कानूनों में 72 संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुछ कर प्रावधानों और वित्त विभाग की शक्ति को लेकर कॉरपोरेट जगत नाराज बताया जा रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए भी कुछ नियमों को लचीला बनाया गया है। इस तरह माना जा रहा है कि इससे कंपनियों को बेवजह सरकारी अड़ंगेबाजी से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपने कारोबार का विस्तार करने और उत्पादन सेवाएं आदि बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। मौजूदा कानून में कारोबारियों के कामकाज में मामूली गड़बड़ी पाई जाने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान था। इसके लिए भारी जुर्माने का भी नियम बना दिया गया था। इससे वित्त विभाग के अधिकारी कारोबारियों को नाहक परेशान करते देखे जा रहे थे। स्वाभाविक ही इससे कारोबारियों में नाराजगी थी। अब कंपनी नियमों में से आपराधिक सजा वाले प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा छोटी कंपनियों को भी सामाजिक दायित्व समिति बनाने का नियम था। इसके चलते वे अपनी
कमाई का तय हिस्सा सामाजिक कार्यों के मद में खर्च करने को बाध्य थी। इसके चलते मंदी के दौर में भी कई कंपनियों पर बेवजह बोझ बढ़ रहा था। इसके अलावा इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों को सख्त सजा का प्रावधान था। नए प्रस्ताव में इस कानून को लचीला बनाकर 50 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर ही सामाजिक दायित्व समिति गठन करने का प्रावधान लागू होगा। भारतीय बाजार में सबसे अधिक हिस्सा छोटे कारोबार वाली कंपनियों का है, फिर वही सबसे अधिक रोजगार का सृजन करती हैं, जबकि हकीकत यह भी है कि बाजार में मंदी की मार भी सबसे अधिक उन्हीं पर पड़ती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों की तरह उनके पास मंदी के दौर में भी अपने कारोबार को चलाए रखने की पर्याप्त पूंजी नहीं होती। इसलिए वही छंटनी और कारोबार सिकोड़ने जैसे कदम अधिक उठाती हैं। ऐसे में उन पर सामाजिक दायित्व निभाने की बाध्यता लागू करने से नाहक बोझ बढ़ गया था। इसलिए नए प्रस्ताव के तहत उन्हें राहत देने का फैसला उचित कहा जा सकता है। बैंकों के विलय की प्रक्रिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। इससे घाटे में चल रहे बैंकों को मुनाफे वाले बैंकों से जोड़ देने पर खर्च कम होगा और कर्मचारियों का अतिरिक्त बोझ भी घटेगा। इस तरह वे अपने खर्च से बची पूंजी का उपयोग अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में कर सकेंगे। मगर चूंकि बाजार में मंदी का दौर है और लोगों की क्रय शक्ति को दोबारा बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए बैंकों के कर्ज कारोबार में गति नहीं आ पा रही। देखना है सरकार के कंपनी कानूनों में बदलाव का अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिल पाता है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से शब्द आए इसमें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। 60 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे भी हम डिक्टेशन लेकर आते रहेंगे ऐसे ही। तो वीडियो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आउटलाइन का भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसमें 1000 मैंने शब्दों को कलेक्ट किया है जिसका आउटलाइन मैंने बनाया है, रिसीव प्रणाली पर आधारित है। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।